ये किस लिए उठाया हुआ है उरिया? हैं ये किस लिए उठाया हुआ है? हैं ओ तोड़ दिया है बस, अब मम्मा मारेगी हुरिया की, मम्मा मारेगी। इसको बनाओ हुरिया, इसको बनाओ। हाँ बनाओ, इसको बनाओ। अरे मम्मा मारेगी हुरिया की, बनाओ बनाओ इसको बनाओ। बनाओ 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 बनाओ। ऐसे रखो, इसमें डालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने साग को अच्छी तरह बारीक काट लिया है, तो पानी को भी उबाल आ चुका है, तो अब इसमें डालते हैं साग, सरसों का साग। आठ दिन तो खाएंगे ना इसको, हैं? आज छुट्टी थी ना, तो मैंने कहा साग बना रहे, पहली मर्तबा बना रहे हैं। अभी आठ दिन सब्जियां गोश्त हर चीज की छुट्टी, सुबह यही मिलेगा शाम को, ऐसे जिन्होंने काट के दिया है बना कर दिया उनको नहीं देंगे। अच्छा अभी किसी और के लिए भी है ये? सुबह से उनके घर गई, उन्होंने साथ में जो है ना मदद की है ना। अच्छा फिर उनका आधा उनका याद आपका है जी। फिर तो चार दिन लग जाएंगे खाने में, इसमें पूरा आ जाएगा? आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसी नेक के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अभी टाइम होने वाला है तीन का, और सबसे पहले तो कल जो है ना बहुत ज़्यादा मसला बन गया था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि रेस लगाई है ना, दौड़ लगाई है, तो दौड़ की वजह से ना तबीयत ख़राब हो गई थी। तो एक तो मेरा अपना कसूर है, क्योंकि मैंने ना मेरी इतनी दौड़ भी नहीं है, लेकिन मैं दौड़ लगा रहा था, मुझे अभी चार पाँच दिन हुए हैं दौड़ लगाते लगाते। तो दूसरा ये कि मैंने ना खाना खाया हुआ था, रोटी खाई हुई थी ना, तो इसी वजह से जो है ना जब मैंने जोश लगा के ना भागा ना, तो फिर जो है ना वो अचानक से जो है ना बहुत ज़्यादा सांस फूल गया, तो जिसकी वजह से तबीयत ख़राब होने लगी, तो इसलिए मैं जो है ना फिर मैंने हारी मान ली। लेकिन सफ़र बहुत ज़्यादा, हम तकरीबन डेढ़ दो किलोमीटर सफ़र था, हम तकरीबन डेढ़ किलोमीटर सफ़र कर चुके थे। तो अभी मैं वर्जिश शुरू कर रहा हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ अपनी, इंशाल्लाह अपना वज़न कम करूँगा, इंशाल्लाह फिर जो है ना इंशाल्लाह दोबारा दौड़ इंशाल्लाह लगाएंगे। तो पिछली वीडियो में माशाल्लाह कमेंट अच्छे आए, तो आज जो है ना पिछली वीडियो में बेगम बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अस्सलाम वालेकुम। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छे अच्छे कमेंट किए, चलो इसकी तबीयत अच्छी हो गई। तो मैं आप सब बहन भैया को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अच्छे अच्छे कमेंट किए आपने, आपकी बात मानी है ना उन्होंने जी, मेरी मानते हैं, आप भी नहीं मानते। मेरी तो नहीं मानते। और मेरी और बात भी मान लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। ठीक है, और कोई हुक्म? और वीडियो मुकम्मल देखा करें। अच्छा कल जो है ना वो वीडियो देख रही थी ना रात को, बहुत ज़्यादा हंस रही थी जोर जोर से। मुझे तो पता भी नहीं था आपने ऐसा काम किया, वो तो वीडियो में देखा ना तो बहुत ज़्यादा हंसी। आपको तो पता नहीं था ना क्या आपकी वीडियो मार रही है? नहीं मुझे क्या पता था, शुरू में जब उसने किया ना चौधरी बाबा ने, उसने कहा कि मैं थोड़ी सी बना के ना फिर ख़त्म कर दी, लेकिन उसने ना पूरी वीडियो बनाई जी, मुझे पता नहीं चला शुरू से लेकर एंड तक जी। तो आज जो है ना इंशाल्लाह वीडियो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आज हुरिया का झूला आने वाला है, वो भी आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। और हम दूसरा साग बना रहे हैं, तो हमने कभी साग नहीं बनाया पहले अपने चैनल पर, इस साल नहीं बनाया, नहीं चैनल पर भी नहीं बनाया, पिछले साल भी नहीं बनाया था नहीं। तो वो भी वो रेसिपी भी आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह से जो है ना एक और खुशखबरी ये भी है कि हमारे जो किचन का दरवाज़ा था ना वो भी आ गया है, तो वो भी कल इंशाल्लाह मिस्त्री को बुलवा के, क्योंकि हम अगले एतवार हमारी दावत है, तो उससे पहले पहले जितना छोटा मोटा काम है तो सारा कंप्लीट करेंगे। इसे क्या कहते हैं उर्दू में? सरसों का साग। नहीं नहीं ये जो जिस जिस कर रही हो
कहते हैं जी, मंदड़ा ऐसे लगाते हैं मंदड़ा। और कैसे लगाते हैं है? ये सारा बनाओगी मंदड़ा तो मार के रख दू क्या करके रख दू मंदड़ा मार के रख दे फिर तो बना लेगी आधा बना लेंगे लेकिन आधा रख देंगे। अच्छा आप मार ना आपको तो आता नहीं है किसका ये इसका मंदिर हाँ मैंने सुना है कि आपको आता है। चलो ठीक है लगाता हूँ। अच्छा भी आप जरा मंदड़ा लगाना शुरू करते हैं। एक तो इसका मंदड़ा भी टूटा हुआ है देखा तो पकड़ ऐसे करते हैं जो हमारे जो बाहर रहते हैं ना पाकिस्तानी जैसे यूके में कनाडा जहाँ भी रहते हैं तो वो हमें अपना अपना एड्रेस बताएं तो हम उनको ना साग पैक करके भिजवा देंगे। अच्छा जिनका आधा हिस्सा है उनको बुलाओ ना आधा वो काम है। उन्होंने जो सुबह से लेकर 12 बजे तक उन्होंने तोड़ा है और काटा है और काट कर मुझे बना कर दिया है। अच्छा फिर उन्होंने का काम खत्म हो गया उनका काम खत्म है ये सारा अपना है जी। मक्खन कहाँ से आएगा नहीं है नहीं। आधा बन गया आधा इसे तो कहाँ भाग के जा रहे हो किधर क्या लेने जा रहे हो गोलियां। चलो कोई बात नहीं आपने झूठ नहीं बोलते आप मुझे यही बात अच्छी लगती है आपकी। हसनैन जो है ना कोई गलत काम करने जा रहा हो चाहे सही करने जा रहा हो बोलता सच है। चलो बेटा जाओ शाबा। तो माशाल्लाह से ये दरवाज़ा भी हमारा बन के आ गया ये देखें ये जो किचन का दरवाज़ा है ना अंदर वाला वो वाला बन के आ गया। तो कल इंशाल्लाह मिस्त्री को बुलवाते हैं और सारा जो छोटा मोटा सेटअप है ना वो करवाते हैं। तो ये जो दरवाज़े मैंने बनवाए थे ना उसके साथ ही ये पैसे मैंने दिए थे उसे तकरीबन मुझे 3 साल होने वाले हैं लेकिन जो है ना उसने 3 साल बाद बना के मुझे दिया। अभी आ गया चलो ये भी बड़ी खुशी है। तो ये बाँस जो हमने आपको एक दफ़ा वीडियो में दरख्त भी दिखाया था इसका ये वो वाली लकन है तो ये कंडा पड़ा है ना तो इसमें डाल के ना तो वज़न करते हैं। बस जो है ना लकड़ियाँ उठाने के लिए आई है तो मैंने सोचा कि आपको जो है ना ये छोटे से वो जो टोगिया ना वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो लकड़ियाँ कल हमने काटी थी तो एक मेरा भाई पूछ रहा था तो ये इस शरीर की लकड़ियाँ हैं और वो कहता है कि भाई ये जलाने के काम सही नहीं आती। वो कहता है कि जलाने के काम सही आती है या नहीं आती लेकिन वो नहीं आती इतनी ज़्यादा जलाने के काम। मदर उनकी इधर बैठी है तो ये दूध पिलाती है इसलिए कमज़ोर है। अब ये बाहर भी आ जाते हैं ये देखें इधर बाहर बैठे हैं तो ये मोटे हैं माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप कितने मोटे हैं। ये सुबह बच्चे आए थे उठाने लगे थे ना तो इस ये काटने लगी लेकिन मुझे कोई बात नहीं करती ये खुद ब खुद अंदर ही चले जाते हैं। ये दूध पिएंगे अब दूध पीने के लिए नीचे गए हैं लेकिन उसने दूध नहीं दिया। लकड़ियाँ जो है ना ये ज़्यादा अच्छी जलती हैं और इनका धुआं ही नहीं होता लेकिन जो हमारी वो पुरानी पड़ी है ना ये वाली इनका बहुत ज़्यादा धुआं होता है और ये अच्छी तरह जलती भी नहीं है। तो आप दुआ करें हमारे लिए इंशाल्लाह हम ये जो सामने हमारी जगह बनी है ना तो अभी हमारा प्रोग्राम ये है क्योंकि यूट्यूब का तो कोई भरोसा नहीं है तो अल्लाह ताला हमें अब इतनी फुर्सत दे और ये जो है ना हम इस जगह पे जो है ना वो अपना कोई जानवरों के लिए बहाना बनवाना चाहते हैं। तो अब हमारा यही एक ख्वाब है ताकि इसमें मुर्गियाँ कबूतर हर चीज़ रख सकें। तो ये वाली जगह जो है ना ये सामने वाली ये वाली जगह वहाँ तक वो जो सामने नज़र आ रहे वहाँ तक इंशाल्लाह कहो आमीन आमीन। आपकी जानवरों की देखभाल कौन करेगा करवा लेंगे कोई मसला नहीं है।
मैं अभी वर्जिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा, अभी वजन कम हो जाएगा। और आप सब बहन भाइयों ने बताना है कि वजन कम करने के लिए कौन सी खुराक खानी चाहिए और कौन सा एक्सरसाइज करनी चाहिए ज़्यादा। पहले मैं गया हूँ अपने शहर, तो मोटरसाइकिल मैंने यहाँ पे खड़ी कर दिया, तो ये खाद लेने के लिए मैं गया था, जो हमने एक तकरीबन एक एकड़ से दो कनाल कम है, तो वो हमने गंदम काश्त की है, तो उसमें आज खाद ही डालते हैं, शाम को पानी मिलेगा तो पानी भी लगाएंगे। आज का झूला भी आ गया है, आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश है, ये देखिए यहाँ से निकल भी नहीं रही। हुरिया कहती है बस मुझे हंस रही है, हंस जोर जोर से हंसती है हुरिया। कब देख देख किया, कैसे किया? तो ये जो है ना हमने बनवाया था, आज इसे पैसे दिए हमें 6 महीने होने वाले, 6 महीने रमजान में। हाँ रमजान का महीना था, हाँ उस रमजान के आखिरी रोजे थे, तो हमने ये बनवाने के लिए दिया था, तो आज आया है तकरीबन 6 महीने। और ये देखें, ये हमने इसमें ना फोम लगवा ये नीचे, ताकि हुरिया जाना अगर वो कहते हैं अगर इसमें आप कंबल वगैरह बिछा के ना तो इसे सुला भी सकते हैं हुरिया को। हाँ तो आपने कमेंट जरूर बताना कि आपको हुरिया का झूला कैसे लगा। तो ये झूला जो है ना हमें किसी ने जो है ना पैसे दिए थे, तो उन्होंने कहा कि हुरिया के लिए आप झूला बनवाएं। नहीं नहीं मैं बताता हूँ आपको कि हाँ, तो एक मैं सोते अम्मी कहता हूँ, तो उसने पैसे दिए थे जिसमें एक दफ़ा हमने राशन पानी वाला पैकेज भी चलाया था आपकी चैनल पे, वो पैसे भी उसने दिए थे, और एक नलका भी उसने लगवा के दिया था इधर, और इसके झूले के पैसे भी दिए थे। हाँ तो अल्लाह ताला उसे सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। उन्होंने मेरी हुरिया के लिए इतना सोचा। हाँ तो हुरिया माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश है, तो उसने बताया भी उसने था भी ऐसा बनवाना है, तो उसकी पसंद का हमने बनवाया। एक 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 मज़े हो गए अब आपके, कि हुरिया इधर खड़ी रहेगी और आप अपना काम कर लिया करोगी, क्योंकि नीचे तो हुरिया जाना, क्योंकि थागी हो हुरिया, थागी हो गुड़िया, तुम बैठ जाओ, ओ देख गुड़िया बैठ रही है। तुम बैठी होगी, तुम बैठोगी हुरिया, तो ये पैंप लगे हुए हैं सारे, ये लोहे का बना। हाँ और ये बना है तकरीबन 12,500 का झूला है, और 300 का ये फोम है, 3,000 का ये नीचे वाला, 15,000 लग गया है तकरीबन, 16,000 इसमें से हुरिया निकल नहीं सकती, नहीं निकल नहीं सकती। ये क्या है? ये अदरक है ना, ये लहसुन, लहसुन का पेस्ट बना लिया है और घी इसमें डाल दिया है, तो इसे तड़का लगा कर ना साग में डालेंगे। घी बस इतना आएगा इसमें? नहीं और भी आएगा उसमें। अच्छा तो फिर घी को तड़का नहीं लगेगा? ये घी को तड़का लग रहा है ना, थोड़े को ला के रहना, बाकी पूरी बाकी को उसमें डाल देंगे। अच्छा और क्या क्या इसमें आएगा? ये लाल मिर्च भी डालते हैं इसमें, और हल्दी, नमक, नमक मैंने डाल दिया। इसको हिलाओगे किस से, चम्मच से? अच्छा ऐसे बनता है ये? वैसे तो दूसरे तरीके से बन सकता है, साफ अलग निकाल कर ना सारे सारे जो है ना उसमें तरीका के फिर साग डाल दें, ये भी ठीक है, तो उसमें साग ज़्यादा है ना, तो वैसे ऐसे बना रहा हो ऐसे बनाने कोई खाना हाँ तिलका तो लग जाएगा ना इसको, सिर्फ लहसुन को तिलका डाला है ना, ब्रश को लहसुन, हाँ और जो है ना हरी मिर्च तो उसमें पहले हमने डाल दी थी शुरू में, टमाटर, टमाटर भी मैंने डाल दिया है, आधा किलो टमाटर थे ऐसे सारे डाल देंगे। मिर्चें बहुत ज़्यादा आती हैं इसमें, जो सब्ज़ मिर्ची होती है ना, सब्ज़ मिर्च भी डाली और लाल मिर्च होती है ना सूखी, हाँ हाँ वो भी मिर्च डाली, फिर मिर्चें ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगी, मिर्चें ना हो ना साग खाने का मज़ा नहीं आता, तो लाल मिर्च मैंने थोड़ी डाली है ना मिर्च में, सही हो नहीं क्या तिड़का इसको,
तो माशाल्लाह से ये देखें कि एक सूरज ग्रूब हुआ है, अल्लाह ताला ने दूसरा चांद जो है ना तलू कर दिया, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह लग रहा है। तो अभी थोड़ी देर बाद जो है ना बिल्कुल चांदनी रात हो जाएगी। तो माशाल्लाह से साग जो है ना वो भी बड़ा ज़बरदस्त बना था। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, कल सुबह भी तो खाना है ना। तो अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसी चैनल पे हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।